आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। समझ में आया बच्चों? रैशनल नंबर एडिशन में कम्यूटेटिव है बट सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं है। अब कौन सा ऑपरेशन आ रहा है? या मल्टीप्लिकेशन। कौन सा लेंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो एग्जांपल मैं क्लीन कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये सारी प्रॉपर्टी पता समझनी है और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें आंसर होंगे वो देने हैं। ओके या सो व्हाट इज द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑपरेशन? मल्टीप्लिकेशन। ओके मल्टीप्लिकेशन चेक करें, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन बी। चलो चेक करते हैं एग्जांपल ले ले कुछ, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 क्या आंसर आ रहा है? 3 × 1 = 3 और यहाँ पे 8 × 8 = 64। यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। वी हैव टू मल्टीप्लाई। नाउ वी चेक द अनदर वन, सी अप इस तरह से चेक करते तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3/8 सो क्या हो जाएगा? 3/64। दोनों आंसर कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहा है दोनों आंसर। सो वी कैन से दैट यस मल्टीप्लीकेशन इज रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। ओके तो रैशनल नंबर किस किस में कम्यूटेटिव आए अभी तक देखा हमने? एडिशन में कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं है। अब बाकी क्या है? डिवीजन क्या होगा उसमें? नहीं होगा। ट्राई करते हैं, चलो एग्जाम्पल देखें। ओके क्या हो जाएगा डिवीजन? एग्जाम्पल दे रहे हैं, ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी, ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी डिवाइड बाय ए अपॉन बी। चलो एग्जाम्पल देते हैं, 3/5 डिवाइड बाय 5/3 सॉरी 3/5 डिवाइड बाय 4/5 पहले वाला ही एग्जाम्पल दे दिया। चलो इसको चेक करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे हो जाएगा? 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4 5 का 3/4 आ रहा है। ओके अब इसको रिवर्स करके प्रोसेस में चेक करते हैं क्या हो जाएगा? 4/5 डिवाइड बाय 3/5 चलो क्या करेंगे? 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/3 आंसर क्या आया? 4/3 दोनों आंसर मिसमैच हो रहे हैं, चेंज आ रहा है, मतलब कि दिस इज ऑल्सो सॉरी गलती हो गई इन मल्टीप्लीकेशन इक्वल बट इन डिवीजन दे आर नॉट कम्यूटेटिव। पता चला बच्चों? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ वर्क करती है रैशनल नंबर में? एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इट इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? आगे की दो प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके तो ये जो भी टॉपिक है एक बार फिर से वीडियो देख के रिवाइज करें, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।